Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया तथा परिसीमा विधि तो इसमें ऑलरेडी कई मॉड्यूल हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और कई मॉड्यूल में आपको बताने का प्रयास किया हुआ है कि नहीं है, सब्जेक्ट क्या है तो इसके पहले कि आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है इसको मैं आपसे बताऊं पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आप जाने कि आपको कौन बोल रहा है और आपको कौन एड्रेस कर रहा है तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है जहाँ से मेरा एलएलबी एलएलएम वगैरह वगैरह सारी पढ़ाई हुई पीएचडी हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किया है और मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा में न्यायिक अधिकारी भी रहा हूँ कुछ दिन तक लेकिन अब मैं अध्ययन अध्यापन का काम दिल्ली विश्वविद्यालय में करता हूँ विगत कई सालों से दस बारह सालों से तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपके साथ तो इस परिचय के साथ मैं आज के लेक्चर को आपको बताऊं कि आज का लेक्चर हमारा क्या अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा लेक्चर आपको दिख रहा होगा लेक्चर नंबर आठ है ये इसके पहले सात लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है सीपीसी के बारे में सात मॉड्यूल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है आठवां लेक्चर आठवें लेक्चर का जो टाइटल है वो आदेशों तथा आज्ञप्तियों का निष्पादन धारा छत्तीस से बहत्तर और आदेश इक्कीस सीपीसी ठीक है ना तो आदेशों तथा आज्ञप्तियों का निष्पादन है ये और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है सीपीसी के अंदर वो है धारा 36 से लेकर बहत्तर तक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेक्शन है और आदेश तो एक ही है आदेश 21. लेकिन आदेश लेकिन का सबसे बड़ा आदेश है सीपीसी में कुल इक्यावन आदेश है फिफ्टी और आदेश 21 जो इसमें है ये सबसे बड़ा आदेश है जिसमें 106 रूल्स हैं ध्यान दीजिए तो 106 नियमों का कलेक्शन है आर्डर एक अपने आप में एक कानून है आर्डर इक्कीस तो इसलिए आर्डर इक्कीस को हम प्रोसीजर का प्रोसीजर बोलते हैं प्रोसीजर स्क्वायर इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसमें इतनी बातें हैं कि इस बातों को ही अगर हम लोग पढ़ें कायदे से तो ये तीन चार महीना लग जाता है इसको पढ़ने में और इसको क्लास में समझाने में इतना बड़ा प्रावधान है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन यहां पे ये यह सारी बातें हम आपको नहीं बताएंगे हम इसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग का वो हम आपको बताएंगे तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर आदेशों और आज्ञप्तियों का निष्पादन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर जिसमें कुछ सेक्शन है और एक ऑर्डर है जो कुछ सेक्शन है वो छत्तीस से बहत्तर है और जो आदेश है वो आदेश इक्कीस है तो ये हम लोगों के पास है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं इसके पहले कि हम इसको बताएं कानूनी प्रावधानों के हिसाब से कि निष्पादन क्या है मैं आपको ये पहले साधारण भाषा में बताना चाह रहा हूं कि निष्पादन क्या है तो इसको आप समझें एक बार इसके बाद हम लोग डिटेल में एक एक प्रावधान को लेकर और डिस्कस करेंगे एक घंटे के अंदर तो अभी ध्यान देखिए आप यह निष्पादन क्या है निष्पादन का मतलब यह है जैसे मान लीजिए हम न्यायालय में मुकदमा करते हैं अपने किसी प्रॉपर्टी के लिए और वह मुकदमा हमारे फेवर में डिसाइड हो जाता है फेवर में डिसाइड होने के बाद भी जिस बंदे के खिलाफ डिसाइड हुआ है वो उसको नहीं मान रहा है जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी है उसने कब्जा कर लिया मैं उस प्रॉपर्टी के लिए मुकदमा दाखिल किया प्रॉपर्टी हमारे फेवर में डिसाइड हो गई लेकिन वो प्रॉपर्टी हमको फिर भी नहीं दे रहा है कब्जा उसने बनाया हुआ है और मैं जब लेने के लिए ले जाता हूं तो हमको दौड़ाता है मारने के लिए कहता है कि जाओ डिग्री और कोर्ट का आर्डर लेकर के अपने घर रहो हम तो प्रॉपर्टी नहीं देंगे क्योंकि वो पावरफुल आदमी है अब मैं परेशान हूँ इससे कि यार मैं तो कोर्ट में मुकदमा जीत भी गया हमारे फेवर में आदेश भी आ गया लेकिन प्रॉपर्टी तो मैं नहीं पा रहा हूं अब मैं क्या करूँ ध्यान दीजिए तो अब आप क्या करेंगे अब जज साहब तो आपके घर आएंगे नहीं दिलवाने के लिए तो अब आप उसी कोर्ट में फिर से जाएंगे जिसने डिग्री पास किया है अब उसमें आप जाकर अप्लीकेशन देंगे और बात बताएंगे आप से कहेंगे कि ये बात थी, फला -फला मुकदमा था डिग्री की कापी भी आप लगाएंगे और कहेंगे ये डिग्री आपने हमारे पेपर में पास किया था डिग्री पास हुए इतना दिन हो गया मैं बार बार जाता हूं हमको प्रॉपर्टी हमारी नहीं दे रहा है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं जज साहब हमारी रक्षा करें तो यह बात आप जब कहेंगे तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन अप्लीकेशन अब ठीक है अब जज साहब आप कैसे आपको ये प्रॉपर्टी दिलवाएं चुकी निर्धारित हो गई आपके फेवर में चुकी वो प्रॉपर्टी आपकी है क्योंकि साक्ष्य और गवाह सब आपके फेवर में बोले थे इसीलिए मामला आपके फेवर में डिसाइड हुआ था तो अब कोर्ट इसको कैसे दिलवाएगी तो कोर्ट कोर्ट के पास कई तरीका है अब कोर्ट क्या करेगी पुलिस वाले को बुलाएगी और दरोगा जी से कहेगी दरोगा जी जाइए आप थोड़ा थाना से दो चार जी पुलिस लेके जाइए सामने वाला बड़ा दबंग है डिसीजन हो गया प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है थोड़ा उसकी सेवा करें और सेवा करके उसको प्रॉपर्टी से हटाएं और इनको प्रॉपर्टी दिलवाएं तो पुलिस जाएगी उनकी अच्छे से सेवा करेगी और फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगी तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन बड़े साधारण भाषा में तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी अब जितना हम लोगों ने आसानी से इसको समझ लिया उतना आसान है नहीं एग्जीक्यूशन में ये भी बता दो क्योंकि एग्जीक्यूशन करने में ही कई साल लग जाते हैं और तब एग्जीक्यूशन होता है एग्जीक्यूशन में भी खर्चा लगता है तो कहने का मतलब है कि बड़ा लेथार्जिक प्रोसीजर है लेकिन प्रोसीजर है अगर डिक्री पास हो गई जजमेंट पास हो गया सिविल न्यायालय का आपके फेवर में तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ये बात तो है अब मिलेगी कैसे एग्जीक्यूशन के तहत मिलेगी तो हम इसमें वही प्रोसीजर देखने जा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन डिक्री और आर्डर का अगर कराना है तो क्या प्रोसीजर है और कैसे कराएंगे तो ये बात हम लोग देखने जा रहे हैं इसको देखिए अब दूसरे स्लाइड पे थोड़ा सा आप नजर दौड़ाएं और देखें इसमें क्या है दूसरी स्लाइड है निष्पादन की प्रक्रिया ध्यान दीजिए यह धारा इक्यावन में लिखा हुआ है चूंकि हम लोगों ने देखा धारा छत्तीस से बहत्तर तक का ग्रुप है उसी के बीच में धारा इक्यावन है धारा इक्यावन में लिखा हुआ है निष्पादन की प्रक्रिया क्या है किस प्रोसीजर से डिक्री और आर्डर का एग्जीक्यूशन होगा तो तीन चार पॉइंट इसमें देखिए आपको दिखेगा संपत्ति के परिधान द्वारा ध्यान दीजिए संपत्ति के परिधान द्वारा दूसरा है कुर्की और विक्रय द्वारा तीसरा है गिरफ्तारी द्वारा चौथा है रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा और पांचवा एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं अदर मेथड्स अदर मेथड्स अन्य प्रावधान

तो कुर्की और विक्रय जो बंदा नहीं दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लेना जब्त कर लेना और उसकी प्रॉपर्टी को बेच देना और उस बेच से जो पैसा मिलेगा वो हमको दिलवा देना तो इसको बोलते हैं कुर्की और विक्रय इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में तीसरा है गिरफ्तारी द्वारा उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन बोलते हैं उसको उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ डिक्री पास हुई है तुम क्यों नहीं डिक्री को मान रहे हो नहीं मान रहे हो तो चलो तुमको जेल में बंद करते हैं तो गिरफ्तारी द्वारा तो गिरफ्तारी के डर से वो उसको मानेगा और नेक्स्ट है रिसीवर के अपॉइंटमेंट के द्वारा ध्यान दीजिए प्रापक की नियुक्ति होती है रिसीवर को हिंदी में प्रापक बोलते हैं तो प्रापक की नियुक्ति के द्वारा जो आदेश चालीस में लिखा हुआ है तो प्रापक नियुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे हो जाएगा और लास्ट में अन्य प्रावधान तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं अब एक एक करके देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट की संपत्ति के परिदान द्वारा ध्यान दीजिए संपत्ति के परिदान द्वारा संपत्ति के परिदान का मतलब जैसे मान लीजिए ये पेन है इस पेन के लिए मैं प्लेटिव हमें कोर्ट में मुकदमा दाखिल करता हूं कहता हूं जज साहब ये पेन हमारी है अपोजिट पार्टी भी आती है कोर्ट में वो कहती है नहीं नहीं ये पेन तो हमारी है और लास्ट में ये पेन हमारे फेवर में डिसाइड हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली ये पेन उसके कब्जे में है मेरे कब्जे में नहीं है उसी के पास है मैं केवल जाके जज साहब से कहता हूं कि जज साहब ये जो पेन है इनके कब्जे तो में तो मेरी पेन है वो कहता है नहीं हमारी पेन है और लास्ट में यह पेन हमारे फेवर में डिसाइड हो गई लेकिन वो पेन अभी भी उसके कब्जे में है वो हमको नहीं दे रहा है तो हमको कैसे मिलेगी तो अगर मान लीजिए जैसे ही कोर्ट डिसाइड करती है और ये पेन हमको दे देता है तो बस हो गया काम यह पेनो हमको दे दिया कोर्ट ने कहा ये पेन तिवारी जी का इनको दिलवा दीजिए और वो पेन उसने हमको दे दिया तो बाई डिलीवरी आप प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच हैजिन डिसाइडेड विद कोर्ट हैज बिन डिलीवर्ड बैक बाई अपोजिट पार्टी टू मी तो हो गया संपत्ति का परिधान जो मामला डिसाइड हुआ है मेरे फेवर में अपोजिट पक्षकार ने हमको दे दिया तो इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल सा तरीका है इसमें किसी भी मेथड की जरूरत नहीं है किसी भी पुलिस की किसी कुर्की और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि जैसे ही मामला डिसाइड हुआ अपोजिट पार्टी ईमानदार आदमी है और वो कोर्ट के निर्णय की गंभीरता को समझते हुए उस प्रॉपर्टी को जिसके फेवर में डिसाइड हुआ है उसको दे दिया तो इसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति के परिधान के द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट हो गई डिक्री का निष्पादन हो गया और मामला खत्म हो गया दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे ठीक है जिसके फेवर में डिसाइड हुआ प्रॉपर्टी ले लिया और मैं भी अपने घर हो भी अपने घर तो ये तो एक तरीका है तो बड़ा सिंपल सा तरीका बड़ा सिविलाइज्ड मेथड है जिसमें सामने वाला ईमानदार है उसने दे दिया तो इसमें तो ज्यादा झंझट की बात नहीं है आगे देखें आप जो दूसरा पॉइंट है वो बोल रहा है कुर्की और बिक्रे के द्वारा ध्यान दीजिए कुर्की और बिक्रे के द्वारा अब कुर्की और बिक्रे क्या है कुर्की और बिक्रे ये है कि भाई हमारे फेवर में डिसाइड हो गया और आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गया और पोजेशन में कब्जे में आपके है और आप नहीं दे रहे हो आप कर रहे हो नहीं देंगे जो मन करेगा वो कर लेंगे कोर्ट हम देख लेंगे तो अब कोर्ट क्या करेगी कोर्ट के पास एक तरीका है कोर्ट आपके किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी कुर्की कुर्क कर लेगी अगर कुर्क आप सुने होंगे तो जब्त मानिए इसको सीज करना कुर्क कर लेगी कुर्क कर लेगी अटैच कर लेगी और आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा मान लीजिए आपके पास एक ही एग्रीकल्चरल लैंड है और उसी को उसी को कुर्क कर लिया कोर्ट ने और उसी से आप अनाज उगाते हैं और खाते पीते हैं आपका एग्रीकल्चरल पैसा है और वही कुर्क कर लिया कोर्ट ने या आपका शहर में घर है उसी के किराए से खाना पीना है वही घर ही शहर कोर्ट ने जब्त कर लिया कुर्क कर लिया और कहती है कि जो तुम्हारे फेवर में निर्णय है उसको पालन करो नहीं तो ये घर कोर्ट के कब्जे में रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे आप सोचोगे ठीक है यार पहले हम उसको करते हैं नहीं तो तुम्हारा घर और खेत ही चला जाएगा तो एक तरीके से कुर्की न्यायालय कुर्क कर लेगी अगर कुर्क करने के बाद भी आप नहीं मानते हैं केवल कुर्क करने से नहीं मानते हैं तो कोर्ट इसको सेल आउट कर देगी इसको बोलते हैं अटैचमेंट और सेल पहले तो अटैच किया जाएगा अटैच करने से ही काम चल जाएगा तो ठीक है और अटैच करने से नहीं काम चला तो आपकी इस प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल आउट कर देगी बेच देगी और बेच करके जो इससे पैसा मिलेगा वो पैसा अपोजिट पार्टी को दिलवा देगी ताकि उसका जो पीड़ा है वो पूरा हो सके उसके पीड़ा को भरने के लिए ये पैसा उसको दिलवा देगी अगर ये पैसा उतना ही है जितना उसका रिक्वायरमेंट है तो पूरा पैसा उसको दिलवा दिया जाएगा अगर ये पैसा कम है तो इतना तो दिलवाया ही जाएगा जो बचेगा उसमें अलग से प्रेशर आपके ऊपर किया जाएगा अगर ये पैसा ज्यादा है तो इसको इतना पैसा दिलवाया जाएगा जो बचेगा वो आपको दिलवा दिया जाएगा क्योंकि आपकी संपत्ति है आपसे केवल उतना ही लिया जाएगा जितना आपको देना था इस संपत्ति के मामले में शेष जो बचेगा वो आपको दिलवा दिया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं कुर्की ध्यान दीजिए अब इसके लिए हमारे पास धारा साठ से धारा चौसठ है धारा साठ से लेकर के धारा चौंसठ तक सिक्सटी फोर टॉक्स अबाउट दिस थिंग व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर अब इसमें इसमें दो पक्षकार होते हैं।, इसको एक को हम बोलते हैं डिक्री होल्डर और दूसरे को बोलते हैं, डेटर। डिक्री होल्डर का मतलब, बोलते हैं डिक्री धारक बोलते हैं हमारे पक्ष में निर्णय में डिसाइड हो गया तो इस मामले में मैं डिक्री होल्डर हूं मैं आज्ञप्ति का धारक हूं क्योंकि आज्ञप्ति पूरा का पूरा कोर्ट का निर्णय मेरे फेवर में हुआ है तो हम डिक्री होल्डर हैं और जिस बंदे के खिलाफ हुआ है मान लो अपोजिट पार्टी है मिस्टर एक्स और ये पेन एक्स के खिलाफ डिसाइड हुई है तो उसको बोलते हैं कानून की भाषा में जजमेंट डेटर ऋणी बोलते हैं उसको जजमेंट डेटर ऋणी ध्यान दीजिए तो जजमेंट डेटर तो अब इसमें क्या होगा कोर्ट क्या करेगी ये कोर्ट किसके प्रॉपर्टी को जब्त करेगी जजमेंट डेटर के प्रॉपर्टी को जब्त करेगी जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट मामला डिसाइड हुआ है इसको जजमेंट डेटर बोलते हैं उसके प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी और हम डिक्री होल्डर हैं उसको सेल आउट कर देगी सेल आउट करके वो पैसा हमको दिलवा देगी ये तरीका है इसमें अब धारा साठ से चौसठ में जो बताया गया है वो ये बताया है कि चलिए भाई प्रॉपर्टी जो अटैच की जाएगी तो क्या जजमेंट डेटर की सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अटैचमेंट होगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अटैचमेंट नहीं होगा तो धारा साठ बहुत लंबी सी धारा है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा और किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं होगा यह दिया गया है अब मैं धारा साठ पे आता हूं किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा किस प्रॉपर्टी की कुर्की होगी और किस प्रॉपर्टी की कुर्की नहीं होगी ध्यान दीजिए तो धारा साठ में दो पैरा है जब पहले पैरा को आप पढ़ेंगे तो उसमें उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है जिनकी कुर्की हो सकती है जिसमें लिखा हुआ है लैंड है उसके पास जमीन है लैंड हाउसेस उसके पास घर है घर की कुर्की होगी लैंड हाउसेस अदर बिल्डिंग्स और भी कोई बिल्डिंग है अपार्टमेंट है ऐसा इसकी कुर्की होगी तो लैंड हाउसेस अदर बिल्डिंग्स मनी ध्यान दीजिए पैसा कैश उसका अटैचमेंट होगा मनी नोट है बैंक नोट है प्रामिजरी स्टॉपेल है हुंडी है चेक है निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट है या कोई सिक्योरिटी बांड है या कोई इस तरीके की मूवेबुल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो विक्रय करने योग्य है और जो निर्णित ऋणी से संबंधित है इन सारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और सेल हो सकता है ध्यान दीजिए तो जमीन है हाउसेस है बिल्डिंग्स है बैंक नोट है प्रामिजरी नोट है हुंडी है चेक है बिल ऑफ एक्सचेंज है और ऑल सेलेबल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए सभी विक्रय योग्य संपत्ति चाहे वो चल है और चाहे अचल है जो जजमेंट डेटर से संबंधित है इस सब की कुर्की हो सकती है कुर्की नीलामी की हो सकती है तो ये सब को डिक्री के एग्जीक्यूशन में ये कोर्ट सब सबका कुर्की कर सकता है पहले कुर्की करेगा नहीं मानेंगे तो बेच देगा बेच करके अपोजिट पार्टी को दिलवा देगा ठीक है ना तो ये कुर्की है जो आपने सुना होगा कुर्की तो धारा का बताता है प्रॉपर्टी आर टू तो बी काटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस लेकिन इसका जब दूसरा पैरा आप पढ़ेंगे धारा साठ का जिसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट परंतु निम्नलिखित संपत्तियों की कुर्की नहीं होगी ध्यान दीजिए तो कुछ जजमेंट डेटर की ऐसी संपत्ति है जिनकी कुर्की होगी ही नहीं जिसमें क्या है कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता हूं हालांकि इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं जो जनरली हमारे यूज में आ जाती हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट नेसेसरी वियरिंग अपेरल्स ध्यान दीजिए नेसेसरी वियरिंग अपेरल्स इसका क्या मतलब जो कपड़ा साधारण तौर पे आप पहनने के काम में ले आते हैं उसकी कुर्की नहीं होगी साधारण तौर पे पहनने के काम में ले आते हैं नेसेसरी वियरिंग अप्रेल्स लिखा हुआ है माने वियरिंग अप्रैल नहीं वियरिंग अप्रैल जो नेसेसरी है जो बहुत आवश्यक है ये नहीं कि आपके पास तो पांच लाख का कोट है जिसको धुलवाने के लिए आप पंडित नेहरू के जैसे पेरिस में भेजते हैं तो ये नेसेसरी वियरिंग अप्रैल नहीं है ये तो लग्जरियस अप्रैल है तो नेसेसरी वेयरिंग अपरेल नॉट लाइवल टू बी अटैच इसका अटैचमेंट नहीं होगा शर्ट है पैंट है जींस है जूता है मोजा है मांगा ही है का है का जूता हमारे पास दस हजार का है लेकिन इसको मैं पहनता हूं और पहन के जाता हूं दो ही जूता है हमारे पास तो जूता हमारा नहीं कुर्क कर लिया जाएगा कि चलो पांच दस हजार का जूता है तीन हजार में भी विकेगा कोई बात नहीं है और डिक्री कितने की है तीन हजार की है तो बेच के जूता उसको दिलवा दीजिए नहीं नेसेसरी इन अप्रैल नहीं अटैच होगा ध्यान दीजिए कुकिंग वेसेल्स आगे देखिए कुकिंग वेसेल्स जो खाना बनाने वाला बर्तन है चाहे वो बड़ा महंगा है हमारे घर में कुकर है कांसे का है तांबे का है और एक कुकर की कीमत कम से कम बीस हजार रुपया है मान लीजिए पांच लीटर का कुकर है और डिक्री केवल पंद्रह हजार रुपये की है तो क्या उस कुकर को बेच करके उसको दिलवा दिया जाए ना ये कुकिंग वेसल्स है ये बर्तन खाना बनाने का बर्तन है इसकी कुर्की नहीं होगी हमारे पास जो थाली है घर में वो बड़ी महंगी थालियां हैं जिसमें हम खाना खाते हैं लेकिन हम उसी में खाते हैं तो क्या वो खाने के बर्तन को बेच करके दिलवा दिया जाए ना इसको नहीं दिलवाया जाएगा तो क्वेश्चन नेसेसरी क्वेश्चनिंग अपरेल कुकिंग वेसल्स बेड एंड बेडिंग ध्यान दीजिए बेड बेड एंड 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 बेडिंग जजमेंट डेटर इज वाइफ तो जो bed हमारी बिस्तर है जिसपे हम सोते हैं जो गद्दा है जिसपे हम सोते हैं जो हमारा बेड हम घर में बनवाए हैं जिसमें हम सोते हैं बहुत महंगी लकड़ी का है बहुत कॉस्टली मटेरियल का है लेकिन वो बेड एंड बेडिंग की अगर कैटेगरी में आता है जो हमारे लिए आवश्यक है तो उसको नहीं बेचा जाएगा नॉट लाइबल टू बी अटैच्ड कुर्क भी नहीं होगा बेचा भी नहीं जाएगा पर्सनल ऑर्नामेंट ध्यान दीजिए पर्सनल ऑर्नामेंट विच कैन नॉट बी पार्टेड विथ फ्रॉम दोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर उन पर्सनल ऑर्नामेंट जिसको आप किसी स्त्री से अलग नहीं कर सकते जैसे मंगलसूत्र मंगलसूत्र उसका बहुत ही बहुत ही इंटीग्रल वो ऑर्नामेंट है बहुत इंटीग्रल जो उसके शादी से उसके पति पत्नी के बीच के संबंधों से बहुत जबरदस्त जुड़ा हुआ है वो अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो तो उसका नहीं सेल आउट कुर्क नहीं होगा न तो वो विक्रय किया जाएगा हो सकता है वो दस तोले सोने का बना हुआ उसका मंगल सूत्र है लेकिन दस तोले सोने की, की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी और डिक्री की, की कीमत बीस हजार रुपये ही मान लीजिए तो क्या उसके उसके मंगल सूत्र को बेच दिया जा? उसके पास पांच मंगल सूत्र है मान लीजिए पांचों मंगल सूत्र बहुत मोटा मोटा है बहुत बड़ा वजनी है लेकिन हर मंगल सूत्र उसको हर मांगलिक कार्य पे उसके घर के लोगों ने दिया है कोई रिंग सेरेमनी में मिला है कोई सिंदूर दान के समय मिला है कोई विदाई के समय मिला है कोई उसके जब बच्चा पैदा हुआ है तब मिला इस तरीके की यादाश्त के समय उसको मिला हुआ है और ये सारे ऐसे उसके पर्सनल आर्नामेंट हैं जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते तो पर्सन कहने का मतलब यह है पर्सनल ऑर्नामेंट की परिभाषा क्या है इसकी परिभाषा सीपीसी नहीं बताती इसकी परिभाषा कोर्ट बताएगी कि आर्नामेंट जिसको उस से आप अलग नहीं कर सकते कैटेगरी में क्या क्या आता है। उसको गले का शादी के तुरंत बाद और जब वो पिकनिक में जाते हैं जब वो हनीमून मनाने जाते हैं तो उसके हस्बैंड ने सबसे पहले उसको गोवा में जाकर दस तोले का एक हार बनवा के दिया है तो दस तोले का हार है बहुत ही महंगा है सोने का या हीरे का है बहुत ही लेकिन क्या आप इसको बेच देंगे उसके हस्बैंड ने उसके जीवन में पहली बार जिससे वो मिली है उसने पहली बार उसको गिफ्ट किया है तो क्या इसको आप बेच देंगे ना इसको नहीं बेचेंगे का, का मतलब पर्सनल पर्सनलेंट जो उस वाइफ से जो उस पत्नी से अलग नहीं किया जा सकता ये सब नॉट टू बी अटेच्ट। इनका अटैचमेंट नहीं होगा कुर्की नहीं होगी इनका सेल आउट नहीं होगा तो ये पहली कैटेगरी की प्रॉपर्टी है जिनका अटैचमेंट नहीं होगा क्या क्या देखा हम लोगों ने नेसेसरी वेयरिंग अपरेल्स कुकिंग वेसेल्स बेड एंड बेडिंग्स पर्सनल ऑर्नामेंट्स तो इन सबका अटैचमेंट और सेल नहीं होगा थोड़ा आगे बढ़े आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एग्रीकल्चरिस्ट ध्यान दीजिए अगर वह जजमेंट डेटर जो है वह कृषक है एग्रीकल्चरिस्ट है या जजमेंट डेटर जो है वो आर्टिस्ट है तो इसका टूल्स ऑफ आर्टिसियन ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए आर्ट बनाने वाला है उसके आर्ट बनाने की जो पेंटिंग है वो पेंटिंग बड़ी महंगी महंगी उसके पास है उसका जो ब्रश है और कलर है वो बहुत ही महंगा है हजारों हजारों लाखों लाखों का ब्रश का उसका आ, कलर का पूरा का पूरा डब्बा आया है उसका और डिक्री जो है पांच हजार की है तो क्या आप उसके कलर के डब्बे को बेच करके डिक्री सेफाई कर देंगे ना ये लिखा हुआ है टूल्स ऑफ आर्टिसियन अगर कोई कलाकार है तो उसके टूल्स ये बिक्रे नहीं होंगे अटैच नहीं होंगे अगर वह कृषक है तो कृषि से संबंधित औजार ट्रैक्टर है उसके पास उसके पास हार्वेस्टिंग मशीन है उसके पास बहुत सुंदर सुंदर बैल है उसके पास कैटल्स हैं एनिमल्स हैं उसके पास गाय है भैंस है भेड़ है बकरियां हैं गाय है इस तरीके की बात है ये सारे किस चीज से संबंधित है ये कृषि से संबंधित है क्योंकि इससे गोबर लेगा दूध लेगा और बैल रहेगा तो खेती करेगा ट्रैक्टर रहेगा तो खेती करेगा हार्वेस्टिंग मशीन रहेगी तो उससे धान और गेहूं की कटाई करेगा ये सब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है तो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चरिस्ट का इक्विपमेंट जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है इसका अटैचमेंट और सेल नहीं होगा आगे देखेंगे सीड ग्रेन अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसका सीड ग्रेन जो बीज रखा हुआ है गेहूं बोने के लिए अगले साल के लिए उसने एक क्विंटल गेहूं रखा हुआ है एक कुंटल धान रखा हुआ चना रखा हुआ इस तरीके का जो सीड ग्रेन है और जो साल भर उसको खाने के लिए जो फूड ग्रेन की आवश्यकता है जो रखा हुआ है घर में ये सब उसका अटैच नहीं होगा ना तो सेल होगा तो एग्रीकल्चर आरटीसीन के लिए ये सारी चीज लिखा हुआ है इनका अटैचमेंट और सेल नहीं होगा आगे लिखा हुआ है पर्सनल सर्विस ध्यान दीजिए पर्सनल सर्विस आर नॉट लाइबल टू बी अटैच जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी को अटैच कर लेना नहीं नौकरी का अटैचमेंट नहीं होगा पर्सनल सर्विस है तो पर्सनल सर्विस का अटैचमेंट नहीं होगा इसी तरीके से है राइट टू सू मुकदमा दाखिल करने का अधिकार अधिकार हमारे आधिकार को अटैच आप नहीं कर सकते राइट टू कंपनसेशन इसका अटैचमेंट नहीं होगा ये सब अटैच नहीं करे जाएंगे तो ये क्लियरली सब में लिखा हुआ है इन सब का अटैचमेंट नहीं होगा आगे लिखा हुआ है सैलरी ध्यान दीजिए अगर सैलरीड पर्सन है वो गवर्नमेंट इंप्लाई है प्राइवेट इंप्लाई है और उसकी सैलरी को अटैच करना है तो क्या उसका रूल है सैलरी अटैच करने के लिए एक रूल है धारा साठ में लिखा हुआ है कि दो तरीके की डिक्री की बात करता है धारा साठ सैलरी के अटैचमेंट के मामले में ध्यान दीजिए अगर वह डिक्री मेंटेनेंस की डिक्री है मेंटेनेंस कौन मेंटेनेंस टू वाइफ मेंटेनेंस टू पेरेंट्स और मेंटेनेंस टू चिल्ड्रेन तो भरण पोषण की डिक्री है या तो पत्नी के भरण पोषण की डिक्री है मां बाप के भरण पोषण की डिक्री है या बच्चों के भरण पोषण की डिक्री है तब आपकी सैलरी का कितना पोर्शन कुर्क होगा कितना नहीं होगा यह एक बात है अगर आपके खिलाफ जो डिक्री पास हुई है वो अदर देन मेंटेनेंस है मेंटेनेंस की नहीं है मेंटेनेंस के अलावा है तब आपकी सैलरी का कितना पोर्शन अटैच होगा कितना पोर्शन अटैच नहीं होगा अब ध्यान दीजिए अगर डिक्री मेंटेनेंस के अलावा है अगर डिक्री मेंटेनेंस के अलावा है तो हम लोगों ने देखा मेंटेनेंस के अलावा वाली डिग्री में फर्स्ट वन थाउजेंड छोड़ दिया जाएगा और जो दो तिहाई बचेगा उसको छोड़ दिया जाएगा और केवल एक तिहाई का अटैचमेंट होगा भरण पोषण के अलावा में और भरण पोषण वाले में क्या होगा टू थर्ड का अटैचमेंट होगा यह भी हम लोगों ने देखा अब मान लीजिए डिक्री भरण पोषण के अलावा है भरण पोषण के अलावा तो पाला एक हजार छोड़ दिया जो बचा उसका दो तिहाई छोड़ दिया अब केवल एक तिहाई अटैच हो गया आपका जो ये एक तिहाई अटैच हो गया ये कितने दिन तक अटैच रहेगा ये बताया गया है उसमें ये बताया गया है ये कंटिन्यूसली या इंटरमीडिएटली दो चीज लिखा हुआ है या तो लगातार और या तो रुक रुक करके अगर ये 24 महीने तक अटैच रह गया 24 महीने तक कुर्क रह गया या तो लगातार 24 महीने ध्यान दीजिए और या तो रुक रुक करके 24 महीने जैसे मान लीजिए जै छह महीने के लिए कुर्क हो गया आपकी सैलरी फिर छह महीने के बाद रुक करके फिर दस महीने के लिए तो सोलह महीना हुआ फिर आगे रुक करके कुछ महीने के लिए और करते करते चौबीस महीने पूरा हो गया जब चौबीस महीने पूरा हो जाएगा तो अब आपको कम से कम बारह महीने का गैप दिया जाएगा अब आपकी सैलरी छोड़ दी जाएगी पूरी की पूरी अब आप उसको लेंगे 12 महीने कम से कम आपको छोड़ा दिया जाएगा एक साल और अगर फिर किसी दूसरी डिग्री के लिए अटैच करना है तो 12 महीने का कंसेशन देने के बाद फिर भी अटैच हो सकता है मान लीजिए आपके खिलाफ पांच डिग्री है तो एक डिग्री में तो चलिए रुक रुक करके लगातार चौबीस महीने आपकी सैलरी अटैच रह गई तो उस डिक्री का काम तो हो गया लेकिन मान लीजिए एक और डिक्री है आपके खिलाफ तो 12 महीने का आपको कंसेशन दिया जाएगा और 12 महीने के बाद फिर इसको अटैच कर लिया जाएगा और फिर ये 24 महीने चलेगा फिर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई तीसरी डिक्री है तो फिर 12 महीने का गैप दिया जाएगा और बारह महीने के बाद फिर चौबीस महीने तक अटैच हो सकती है चाहे लगातार चाहे रुक रुक करके और जब चौबीस महीने हो जाएगी फिर इसी तरीके से आगे यह किस मामले में है डिक्री अदर देन मेंटेनेंस मेंटेनेंस के अलावा जो डिक्री है उसमें यह रूल चलेगा एक हजार छोड़ा जाएगा बचाने का दो तिहाई छोड़ा जाएगा एक तिहाई अटैच होगा और एक तिहाई के अटैचमेंट का यह रूल है कि चौबीस महीना फिर बारह महीने का गैप फिर दूसरी डिग्री के लिए चौबीस महीना फिर बारह महीना गैप फिर तीसरी डिग्री के लिए फिर चौबीस महीना बारह महीने गैप लेकिन उसी डिग्री के लिए ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ डिक्री है एक ही केवल और उसके लिए हमारी सैलरी अटैच हो गई मेंटेनेंस की बात नहीं है अदर देन मेंटेनेंस है हमारी सैलरी अटैच हो गई और 24 महीने तक अटैच रही तो 12 महीने का गैप देकर के क्या उसी डिग्री के लिए फिर अटैच हो जाएगी ना ध्यान दीजिए उस डिग्री के लिए फिर कभी अटैच नहीं होगी अगर अटैच करना है दूसरी डिग्री के लिए अटैच होगी और अटैच भी होगी तो 12 महीने का गैप देखे होगी लेकिन 12 महीने का गैप देने के बाद दूसरी डिग्री के लिए अटैच होगी उस डिक्री के लिए फिर कभी अटैच नहीं होगी ये ध्यान दीजिए आप तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है कि उस डिक्री के लिए तो अब कभी नहीं होगी चौबीस महीने के बाद लेकिन कोई दूसरी डिग्री आपके खिलाफ है तो अटैच हो जाएगी लेकिन बारह महीने का गैप देकर के लेकिन सेम डिग्री के लिए नेबर अटैच तो तो मेंटेनेंस के अलावा वाली डिग्री की बात है अगर मान लीजिए मेंटेनेंस की डिग्री का बात है तो केवल एक ती आई छोड़ा जाएगा दो ती आई आपका अटैच हो जाएगा और इस वाले में 24 महीने और 12 महीने का फार्मूला नहीं चलेगा ध्यान दीजिए मेंटेनेंस की डिग्री में भरण पोषण की डिक्री में 24 और 12 महीने का कोई फार्मूला नहीं है भरण पोषण की डिक्री में आपका अगर सैलरी अटैच हो गई तो यह जीवन भर अटैच रह सकती है क्योंकि आपको अटैचमेंट आपको भरण पोषण कब तक करना है जब तक आपकी पत्नी जिंदा है या अगर मां बाप का केस है जब तक माँ बाप जिंदा है बच्चे का केस है जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता है या अगर इन्फर्म है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तो इसके लिए 24 महीना नहीं चलेगा क्योंकि 24 महीने बाद अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा तो इसमें आपका लगातार अटैच रह सकता है इसमें कुर्की लगातार रह सकती है इसमें 24 महीने का फार्मूला नहीं चलेगा तो ये फार्मूला है अटैचमेंट ऑफ सैलरी की बात है ठीक है ना सैलरी कब अटैच होगी सैलरी कब अटैच नहीं होगी अटैच होगी तो कितनी होगी भरण पोषण की डिक्री में कितनी होगी अदर देन भरण पोषण में कितनी होगी ये हम लोगों ने देखा इसके अलावा आप देखेंगे लिखा हुआ है अगर जैसे एल की पॉलिसी है और एल में जो आप पैसा जमा करते हैं उसके पॉलिसी में जो पैसा आपका पड़ा हुआ है ये भी अटैच नहीं होगा जो आपका ईपीएफ है पीपीएफ है जो सेविंग है इसका भी अटैचमेंट नहीं होगा जो डोमेस्टिक सर्वेंट है मान लीजिए आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली थी उसको पांच हजार रुपए महीना आप देते हैं ये जो पांच हजार है ये उसका कभी अटैच नहीं होगा जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं जो खेत में काम करते हैं खेत में काम करके जो मजदूरी कमाते हैं उनका लाइवलीहुड है जीविकोपार्जन है चाहे वो कितना भी कमाते हैं ये अटैच नहीं होगा तो जो ये साधारण से खर्चे जो साधारण से जो इनकम है जो व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है इनको भी छोड़ दिया गया है इनका अटैचमेंट नहीं होगा तो जब आप धारा साठ पढ़ेंगे तो धारा साठ में लंबी लिस्ट है मैं पूरी बात अभी नहीं आपको बताया क्योंकि इसी को करने में घंटों लग जाएगा तो इसलिए मैं आपको क्या क्रक्स बता रहा हूं कि धारा साठ ये बोल रहा है कि वॉट प्रॉपर्टीज आर लाइबल टू बी अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल डिक्री एंड वट प्रॉपर्टी आर नॉट लाइबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल डिक्री तो इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी है पहला जो फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है दूसरा प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है धारा साठ के तो फर्स्ट पैरा में जो लिखा हुआ था लैंड हाउसेस अदर बिल्डिंग एटसेट्रा एंड एटसेट्रा सेकंड पैरा में लिखा हुआ है नेसेसरी वेयरिंग अपरेल अर्नामेंट हो गया टूल्स ऑफ आर्टिसियन हो गया एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट हो गया कैटिल हो गया सैलरीज हो गई ये हो गया वो हो गया इनका अटैचमेंट होगा और इनका अटैचमेंट नहीं होगा तो ये था धारा साठ किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा किसका नहीं होगा किस चीज के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर में दो प्रोसी तो पहला प्रोसीजर हम लोग ने देखा डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी दूसरा हम लोग देख रहे हैं अटैचमेंट एंड सेल तो यहां पर अटैचमेंट और सेल की बात हम देख रहे हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन में किसका अटैचमेंट होगा किसका नहीं होगा यह धारा साठ हम लोगों ने देखा धारा एकसठ में जब अब जाएंगे धारा एकसठ लिखा है पार्शियल एक्जन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ध्यान दीजिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का पार्शियल एग्जाम है माने उसको कुछ हद तक छोड़ा गया है जो कृषि से संबंधित उपज है कृषि से संबंधित उपज को कुछ हद तक छोड़ दिया गया है कितना छोड़ा गया है जो किसान को साल भर खाने पीने के लिए जरूरी है जो किसान के बेसिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है जो उसके अगली फसल में बुआई कटाई के लिए आवश्यक है उतना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अटैचमेंट और सेल नहीं होगा सेक्शन 61 में लिखा हुआ है अब देखेंगे सेक्शन सेक्शन 63 Section 63 में लिखा हुआ है है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी जिसको दो तीन कोर्ट एक साथ अटैच कर लेती हैं जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स के खिलाफ तीन मुकदमा चल रहा था एक मुकदमा उसका बनारस में चल रहा था एक कानपुर में चल रहा था एक गाजियाबाद में चल रहा था मान लीजिए तीन मुकदमा उसके खिलाफ चल रहा था और तीनों में वह हार गया और उसके खिलाफ तीन डिग्री पास हो गई उसके पास एक ही प्रॉपर्टी है और उसकी वही प्रॉपर्टी बनारस वाली कोर्ट ने भी अटैच कर लिया क्योंकि बनारस की कोर्ट ने उसके खिलाफ डिक्री पास किया है वो उसको नहीं मान रहा है तो अटैच कर लिया एग्जीक्यूशन के लिए उसकी उसी प्रॉपर्टी को कानपुर अली कोर्ट ने भी अटैच कर लिया क्योंकि कानपुर भी कोर्ट उस दूसरे मामले में उसके खिलाफ डिक्री पास की है वो नहीं उसको इंप्लीमेंट कर रहा है और गाजियाबाद वाली कोर्ट ने भी चूंकि उसके पास वही प्रॉपर्टी है तो गाजियाबाद वाली कोर्ट ने भी उसको अटैच कर लिया क्योंकि उसके खिलाफ डिक्री है वही है और नहीं मान रहा है अब क्वेश्चन ये है कि जब उसकी एक ही प्रॉपर्टी तीनों कोर्ट ने अटैच कर लिया तो अब किसका प्रोसेस पहले पूरा किया जाएगा क्योंकि बेचेंगे तो कोई एक न्यायालय बेचेगी तो बेच करके एक को दिलवा देगी तो दूसरे तीसरे का क्या होगा तो इसमें यह लिखा हुआ है कि पहले तो यह देखा जाएगा कि इसमें से सबसे सीनियर कोर्ट कौन है ध्यान दीजिए तो जो सबसे सीनियर कोर्ट है पहले उसकी डिक्री का निष्पादन होगा अगर मान लीजिए बनारस की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है कानपुर की कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट है और गाजियाबाद की भी कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट है तो बनारस वाली कोर्ट का आदेश पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि वो बड़ी अदालत है मान लीजिए सारी अदालत सेम रैंक की है ये भी डिस्ट्रिक्ट जज की है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की है तब ये देखा जाएगा किसने पहले अटैच किया था तो जिसने पहले अटैच किया था उसका ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो ये धारा तिरसठ में लिखा हुआ है ये बात कि अगर वन एंड दी सेम प्रॉपर्टी हैज बीन सेवरल कोर्ट्स टुगेदर तो इसका कैसे इसका प्रोसीजर क्या होगा इसमें प्रक्रिया क्या होगी तो इसकी प्रक्रिया ये है आगे लिखा हुआ है धारा चौसठ में कि प्राइवेट एलियनेशन आफ्टर अटैचमेंट इज ध्यान दीजिए प्राइवेट एलियनेशन आफ्टर अटैचमेंट इज मान लीजिए कोर्ट ने संपत्ति को कुर्क कर लिया और कुर्क करने के बाद उस जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसने क्या कर दिया उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया एलियनेट कर दिया एलियनेशन का मतलब बेच दिया या लीज पे दे दिया या मार्गेज पे दे दिया या गिफ्ट कर दिया इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एलियनेशन उसको पता है कि हमारी प्रॉपर्टी तो कुर्क कर ली गई है मैं तो डिक्री का जो अमाउंट है वो नहीं दे पाऊंगा तो अल्टीमेटली कोर्ट इसको बेच देगी तो अब वो दिमाग लगाता है और फटाफट वो कहता है हम इसको बेचेंगे अभी किसी को पता चलता कि न्यायालय ने कुर्क किया है तब तक तो कोई एक बंदे को बेच दिया तो ये जो विक्रय है ना अटैचमेंट के बाद धारा चौसठ बोलता है ये विक्रय क्या है जीरो शून्य प्राइवेट एलियनेशन आफ्टर अटैचमेंट इज वाइडी वाइड का मतलब शून्य है ऐसे ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानता कानून ऐसे विक्रय को विक्रय नहीं मानता ऐसे बंधक बंधक और और लीज लीज को नहीं मानता ऐसे गिफ्ट को गिफ्ट नहीं मानता ठीक है ना तो प्राइवेट एलियनेशन आफ्टर अटैचमेंट इज वाइट तो ये अटैचमेंट से संबंधित सेक्शंस थे हमारे पास धारा 60 से चौसठ किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा किस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं होगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और इसके प्रोसीजर क्या है तो ये सारी प्रोसीजर हम लोग ने देखा तो जो डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए जो तरीका हम लोगों ने पांच देखा है धारा इक्यावन में पहला था बाई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बताया दूसरा हम लोगों ने देखा बाई अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बताया अब तीसरे तरीके पे आइए अरेस्ट एंड डिटेंशन अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तीसरा गिरफ्तारी द्वारा धारा छप्पन से लेकर के उनसठ तक धारा फिफ्टी से लेकर के फिफ्टी तक ये इतने ग्रुप ऑफ धारा है जिसमें गिरफ्तारी के द्वारा डिक्री का एग्जीक्यूशन हो जाएगा फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी नाइन अब ध्यान दीजिए इसमें गिरफ्तारी के द्वारा इस बंदे को जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा मान लीजिए अगर इसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो कुर्क इसको करेंगे तो प्रॉपर्टी तो नहीं कुर्क कर, कर, कुर्क कर पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं इसके पास अगर होती तो आप कुर्क कर लेते जो ऊपर प्रावधान हम लोगों ने देखा इसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कोर्ट इसको गिरफ्तार कर लेगी अब गिरफ्तारी के क्या तरीके हैं धारा पचपन बता रहा है ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी का तरीका यह है यह छप्पन से फिफ्टी नाइन न पढ़ के आप इसको पचपन से फिफ्टी नाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सेक्शन फिफ्टी फाइव सेक्शन फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन ये पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें एक हमको लग रहा है को, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो धारा फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन पचपन से लेकर फिफ्टी नाइन तक तो धारा पचपन में क्या लिखा हुआ है अरेस्ट का जनरल प्रोसीजर बताया गया है गिरफ्तारी का जनरल प्रोसीजर बताया गया है जब यह डिक्री को ओबे नहीं कर रहा है कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है कोर्ट कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रहा है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अब ध्यान दीजिए जब गिरफ्तार करने इसको पुलिस जाएगी तो गिरफ्तार करने की क्या प्रक्रिया है चूंकि इसके खिलाफ डिक्री पास हुई है और हालांकि यह डिक्री को नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी इसकी गिरफ्तारी बड़े ही सभ्य तरीके से करी जाएगी और कानून के प्रावधानों के तहत करी जाएगी ऐसा नहीं है कि अब इसके घर में आप धरधरा के घुस जाएंगे इसको दो चार थप्पड़ मार देंगे इसको गाली दे देंगे घसीटते हुए ना ये काम आपको नहीं करना है चूंकि कानून सिविलाइजेशन सिविलाइक सिविक मेथड की बात करता है और कानून उम्मीद करता है कि स्टेट के फंक्शनरी भी इसको सिविक मेथड में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसलिए धारा पचपन में क्या लिखा हुआ है कि जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने लिए करने जाएगी तो कुछ बातों का ध्यान रखेगी किस चीज का पॉइंट नंबर वन गिरफ्तारी सनसेट के बाद और सनराइज के पहले नहीं किया जाएगा ध्यान दीजिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा करना है तो दिन में गिरफ्तारी करना है सूर्य डूब गया अंधेरा हो गया शाम हो गया क्यों जा रहे हैं आप उसके घर मत जाइए अब कल जाना है आपने तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तारी नहीं होगी यह पहला रूल दूसरा रूल जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जाएगी तो उसका जो फ्रंट गेट है ना घर का उसी से उसके घर में घुसेगी ये नहीं है कि पीछे के दरवाजे से दीवार फाद के आप कूद जाएंगे खिड़की तोड़ के कूद जाएंगे ना ऐसे नहीं करना है आपको क्योंकि अगर आप जाएंगे उसके घर में उसको बुलाएंगे उसको सारी बात बताएंगे हो सकता है वह आपके साथ साथ चल पड़े क्या कि चलिए भाई कोर्ट अगर हमको बुलाइए तो हम चलते हैं तो आप उसके घर का गेट क्यों लाग के, के जा रहे हैं दरवाजा तोड़ के जा रहे हैं चार दिवारी कूद के जाना है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप आप आराम से जाइए ना वो आदमी है ना क्यों नहीं वो डिक्री को पालन कर रहा है इसका कुछ और रीजन होगा लेकिन पहले जो बात है जो कोर्ट आपको भेजिए तो आप कायदे से काम करें तो ये है कि आप उसके फ्रंट गेट से जाएंगे पहले जाएंगे कॉल बेल दबाएंगे जैसे लोग जाते हैं किसी के घर में वैसे ही जाना है आप कॉल बेल दबाएंगे वो निकलेगा आप उसको कोर्ट का आदेश दिखाएंगे आप कहेंगे भाई ऐसी ऐसी, ऐसी बात है आपके खिलाफ डिक्री पास हुई आप नहीं मान रहे हो न्यायालय ने आदेश दिया है आपको गिरफ्तार करके ले आना है आप चलिए हमारे साथ वो कहता है चलिए तो कोई बात नहीं है उसको आप पकड़ेंगे भी नहीं टच भी नहीं करेंगे आप उसको आराम से कायदे की भाषा बोलेंगे और उसको लेके जाएंगे अब मान लीजिए वो विरोध करता है और जब आप जाते हैं तो घर का दरवाजा देख के आपको बंद कर देता है आप बार बार बुलाते हैं नहीं खोलता है तब क्या करेगी पुलिस तब उसमें लिखा है इस दशा में आप क्या कर सकते हैं आप आउटर डोर को उसको ब्रेक कर सकते हैं तोड़ सकते हैं अब तोड़ के घुसना ही पड़ेगा क्योंकि खुद नहीं प्रोवाइड करा रहा है तब आप कर सकते हैं इसमें नहीं आउटर डोर से अगर एंट्री हो रही है पीछे से कहीं एंट्री है तो आप वहां पर भी से आ सकते हैं खिड़की से एंट्री है वहां पर भी मतलब तब आप कर सकते हैं चार दीवारी भांध भी सकते हैं लेकिन जब वो खुद आपको मुहैया करा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना पॉइंट नंबर नेक्स्ट अगर मान लीजिए जब आप उसके घर में जाते हैं तो वो नहीं मिलता है घर का दरवाज़ा उसके घर के लोग खोलते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं भाई वो तो यहाँ नहीं है आप जिसके घर में आए घर तो उसी का है लेकिन वो यहाँ नहीं है वो तो विदेश चला गया है वो तो दिल्ली रहता है अब झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन ऐसी बातों लोग बोल रहे हैं पुलिस कह रही है कि भाई हम तलाशी लेंगे हमको तो सूचना है कि वो घर में ही है तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है भाई आप दरोगा जी तलाशी ले लीजिए लेकिन तलाशी लेने के लिए भी सिविलाइज तरीका बताया गया है धारा पचपन में जब आप जाएंगे उसके घर में और मान लीजिए उसके घर में महिलाएं रहती हैं और वो महिलाएं ऐसी हैं जो समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से पब्लिक में नहीं निकलती हैं वो घूंघट और पर्दा प्रथा में घर के अंदर रहती हैं कमरे के अंदर रहती हैं तो उन कमरे में पुलिस बिना इजाजत के तुरंत नहीं चला जाएगा उसमें पुलिस को गाइडलाइंस से है इस सेक्शन में पुलिस को पहले क्या करना है उन लेडीज को हु आर नॉट जनरली अपियर इन पब्लिक उनको पुलिस को अवसर देना है कि उस कमरे को पहले वो खाली कर दें तो कहेगा कि भाई इसमें कौन है इसमें कोई दुल्हन है कोई लेडी है कोई नई नवेली विवाहिता लड़की है तो इसको कहिए बाहर हो जाए फिर हम जाके देखते हैं इस कमरे में कहीं छिपा तो नहीं है तो पहले उसको निकालने का अवसर दिया जाएगा रीजनेबल टाइम दिया जाएगा ऐसा नहीं कि बस तुरंत निकलो हम घुस रहे हैं नहीं कपड़ा कपड़ा की कैसे कमरे में है उसका बेडरूम है तो उस हिसाब से वो निकलेगी फिर आप जाएंगे तो ऐसे लड़कियों को औरतों को महिलाओं को आपको पहले निकाल के तब उसमें जाना है ये बात लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार आप करने जाते हैं फॉर पेमेंट ऑफ मनी और तुरंत पैसा दे देती है या किसी को भी फॉर पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री है पैसे के जमा करने की डिक्री है मान लीजिए हमारे खिलाफ हुआ है और हमारे घर में आप आ रहे हैं गिरफ्तारी करने के लिए और मैं आपको बीस हजार रुपया जमा कर देता हूं वहां पे कोर्ट के ऑर्डर के में और मैं कहता हूं बीस हजार रुपया लीजिए कोर्ट में जमा कर दीजिएगा मेरी डिक्री हो गई तो फिर ठीक है पैसा इसीलिए आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो ना क्योंकि अमाउंट आपको रिकवर करना है और अमाउंट उसने जमा कर दिया तो आप पैसा ले लीजिए उसके घर से चले जाइए गिरफ्तार तो बोलती है कि अगर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है और यह डिक्री किसी महिला के खिलाफ है तो फॉर पेमेंट ऑफ मनी वाली डिक्री में महिला की गिरफ्तारी कभी नहीं होगी ध्यान दीजिए उसको समय दिया जाएगा पैसे को पेमेंट करने के लिए लेकिन मनी डिक्री में महिला की गिरफ्तारी कभी नहीं होगी धारा छप्पन में उसको पूरा एग्जेस मिला हुआ है नहीं होगी उसकी गिरफ्तारी धारा छप्पन धारा संतावन क्या बोलता है धारा फिफ्टी सेवन धारा फिफ्टी सेवन यह बोलता है सबसिस्टेंस एलाउेंस ध्यान दीजिए जीवन निर्वाह भत्ता की बात करता है धारा फिफ्टी जीवन निर्वाह भत्ता यह क्या चीज है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाएंगे आप जैसे मान लो मैं प्लेंटी वो हमारे फेवर में डिक्री पास हुआ है और अपोजिट पार्टी के खिलाफ पास हुआ है मैं कह रहा हूं वो डिक्री को नहीं मान रहा है जज साहब इसको गिरफ्तार करें और पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करती है वो जेल में चला जाता है जब वो जेल में जाएगा तो जेल में मान लीजिए वो दस दिन रहता है बीस दिन रहता है एक महीना रहता है तो एक महीना अगर वो रहेगा तो एक महीने वो खाना पीना खाएगा जेल में उसके ऊपर तमाम खर्च होगा पंखा चलेगा बिजली रहेगी ये सब खर्च होगा उसके ऊपर तो ये उसका जीवन निर्वाह भत्ता है जितने दिन वो प्रिजन में रहेगा सिविल प्रिजन में इस प्रिजन का जितना भी ज्यादा खर्चा है ये खर्चा सबसिस्टेंस के रूप में इसको जानते हैं जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में जानते हैं ये जीवन निर्वाह भत्ता कोर्ट निर्धारित करेगी कि अगर एक महीना रहेगा तो कितना पैसा लगेगा और ये निर्धारण कैसे होगा ये लिखा हुआ है धारा संतावन में ये ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट और नेशनैलिटी होगा वो किस रेस का है वो किस कास्ट का है किस नेशनैलिटी का है उसका समाज में रैंक कैसा है वो कितना रिप्यूटेड आदमी है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कितना खर्च आएगा बहुत लोग जेल में रहते हैं तो मालिश भी करवाते हैं वो टीवी भी देखते हैं और लग्जरी में रहते हैं बहुत बेचारे ऐसे हैं जो खेत में जाके काम भी करते हैं तो तमाम कैटेगरी है हमारे पास किस कैटेगरी का वो प्रिजनर है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कितना खर्च पड़ेगा इसको हम बोलते हैं सबसेस्टेंस एलवेंस जीवन निर्वाह भत्ता और जितने दिन वो जेल में रहेगा और अकॉर्डिंगली उसके रेस कास्ट और नेशनलिटी के हिसाब से जितना खर्चा कोर्ट निर्धारित करेगी वो खर्चा हमको कोर्ट में पहले जमा करना पड़ेगा बींग द डिक्री होल्डर क्योंकि हमारे ही कहने पे वो गिरफ्तार हो रहा है और गिरफ्तार हमारे लिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हमारी डिग्री सेटिस्फाई होगी तो ये खर्चा मैं पहले जमा करूंगा तब उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा जितना दिन वो जेल में रहेगा खाएगा पिएगा उसका खर्चा का निर्वहन मैं करूंगा हाँ बाद में डिग्री के साथ हमको दिलवाया जाएगा वो बात की बात की है लेकिन यहां पे हमको देना पड़ेगा फिफ्टी जीवन निर्वाह भत्ता सबसिस्टेंस एलेवेंस तो यह फिफ्टी अब आ जाइए फिफ्टी पे धारा अंठावन क्या बोल रही है धारा अंठावन ये बोल रही है तो डिटेंशन और रिलीज में हम लोगों को क्या देखना है कि डिटेंशन और रिलीज में यह बंदा अगर इसके खिलाफ जो डिक्री है वो पांच हजार रुपए तक की है पांच हजार रुपए तक की या उससे ज्यादा पांच हजार या उससे ज्यादा तो इसकी जो गिरफ्तारी होगी वो मैक्सिमम तीन महीने की होगी तीन महीने से ज्यादा नहीं होगी अगर इसके खिलाफ डिक्री कितनी है पांच हजार या उससे ज्यादा तो मैक्सिमम जो इसको जेल में रखा जाएगा वो तीन महीने तक एक दिन भी रखा जा सकता है और मैक्सिमम दो दिन तीन दिन करते करते तीन महीने तक रखा जाएगा इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा कब जब डिक्री का अमाउंट पांच हजार या उससे अधिक है अब हजार से अधिक कितना है एक करोड़ है दो करोड़ है फिर भी इसकी मैक्सिमम जो गिरफ्तारी होगी वो तीन महीने से ज्यादा नहीं होगी माने आपको यह समझना है कि सिविल डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो गिरफ्तारी होगी चाहे अमाउंट डिक्री का कितना भी बड़ा हो गिरफ्तारी किसी भी दशा में छह महीने से ज्यादा नहीं होगी दूसरी बात मान लीजिए ये जो डिक्री का अमाउंट है पांच हजार से कम है लेकिन दो हजार से ज्यादा है ऐसा है दो हजार से ज्यादा और पांच हजार से कम तब इसकी जो मैक्सिमम गिरफ्तारी होगी वो छह सप्ताह होगी छह सप्ता। और अगर डिक्री का अमाउंट दो हजार से कम है तो उसको ऐसे डिक्री के एग्जीक्यूशन में उसकी गिरफ्तारी एक दिन भी एक मिनट भी नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी अलाउ नहीं करती है सीपीसी तो तीन कैटेगरी है इसमें ध्यान दीजिए अगर डिक्री का अमाउंट दो हजार से कम है तो ही नेवर लाइबल टू बी detained, he never liable to be arrested if the amount of decree is less than 2000 ये एक बात है. अगर डिक्री काउंट इज more than two thousand rupees but less than five thousand rupees, दो हजार से ज्यादा पांच हजार से कम तो उसकी जो maximum गिरफ्तारी होगी वो कितनी होगी छह सप्ताह की होगी और अगर डिक्री का अमाउंट पांच हजार से ज्यादा है तो उसकी मैक्सिमम गिरफ्तारी कितनी होगी तीन महीने की होगी माने किसी भी दशा में सिविल डिग्री के एग्जीक्यूशन में गिरफ्तारी तीन महीने से ज्यादा नहीं होगी पांच हजार से ज्यादा की डिक्री मैक्सिमम तीन महीना पांच हजार से दो हजार के बीच वाली डिक्री मैक्सिमम छह सप्ताह दो हजार से कम की डिक्री कोई भी गिरफ्तारी नहीं तो ये बोल रहा है सेक्शन फिफ्टी एट यह कब अन, डिटेन किया जाएगा कब रिलीज कर दिया जाएगा इस समय बीतने के बाद वो रिलीज कर दिया जाएगा जो हम लोगों ने टाइम लिमिट देखा था फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन क्या बोल रहा है फिफ्टी नाइन बोलता है रिलीज ऑन दी ग्राउंड ऑफ इलनेस अगर कोई बंदा गिरफ्तार कर लिया गया डिक्री के एग्जीक्यूशन में चाहे वो तीन महीना की गिरफ्तारी है चाहे वो छह सप्ताह की गिरफ्तारी है दोनों में से किसी कैटेगरी में है लेकिन बीच में ही इसको कोई बीमारी हो गई डिजीज हो गई और ये डिजीज हल्की फुल्की नहीं है बुखार उखार नहीं है ये बड़ा ही सीवियर डिजीज हो गई उसको या उसको कोई फैलने वाली बीमारी हो गई कोविड कोरोना वाली बीमारी हो गई या उसको इस तरीके का कोई स्प्रेड करने वाली जो डिजीज होती है इस तरीके की छुआछूत से जो फैलती है सांसों से फैलती है ऐसी बीमारी होगी तो प्रिजन में रहेगा तो कई लोगों को इफेक्ट करेगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा तो रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस ये लिखा हुआ है धारा 59 में तो ये पूरा हमारे पास धाराएं थी धारा पचपन छप्पन संतावन अंठावन उनसठ इसमें बताया गया है कैसे गिरफ्तारी और कैसे रिलीज तो अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात है तो हम लोगों ने तीन तरीका देखा पहला देखा बाई डिलीवरी या प्रॉपर्टी दूसरा देखा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ इट तीसरा हम लोगों ने देखा बाई अरेस्ट एंड डिटेंशन अब चौथा एक मेथड है अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे जो पेज हम लोगों ने देख रहा था हम लोग उसमें चौथा जो मेथड है वो है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा आदेश चालीस रिसीवर की नियुक्ति द्वारा ये चौथा तरीका है अब इसमें आइए थोड़ा सा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ये क्या है भाई ये आदेश चालीस में लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए मैं इसका एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट हो गया दो लोगों के बीच में ये प्रॉपर्टी किसकी है जैसे मान लीजिए दस एकड़ हमारी जमीन है हमारी जमीन पर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया ये जमीन किसकी है और उस जमीन में इस समय इस समय जो फसल लगी होगी वो गेहूं की लगी होगी तो उस समय इस जमीन पर गेहूं की फसल लगी हुई है अब क्वेश्चन प्र ये प्रॉपर्टी किसकी है अब ये डिसाइड करने में खेत हमारा है कि हमारे पड़ोसी का है कि हमारे बगल वाले का है कि किसी और का है तो इसको डिसाइड करने में अभी टाइम लगेगा टाइम लगेगा कम से कम दो तीन साल लग जाएगा लेकिन गेहूं की फसल पूरे दस हेक्टेयर में एकदम पक के तैयार है अब इसको काटने की जरूरत है लेकिन इसमें डिसाइड ही नहीं है एक्चुअल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड तो क्या करेगी कोर्ट कोर्ट इसमें रिसीवर रिसीवर नियुक्त कर देगी रिसीवर, एक आदमी रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा वो आदमी कोर्ट के द्वारा ही नामित होगा वो सरकारी आदमी भी हो सकता है वो प्राइवेट आदमी भी हो सकता है तो कोर्ट इसको रिसीवर नियुक्त करेगी और रिसीवर से कहेगी कि देखो तुमको क्या करना है तुमको इस प्रॉपर्टी की देखभाल भी करना है और जो इसमें उत्पादन होगा वो तुमको अपने पास रखना है रख के इसको बेचना है बेच करके इसका अकाउंट फर्निश करना है कोर्ट को कितना लागत कितना खर्च क्या प्रॉफिट ये सब तुम कोर्ट को समय समय पे बताते रहोगे और जब तक इसका मालिकाना हक नहीं निर्धारित हो जाता है तब तक ये काम तुमको करना है तो ऐसे बंदों को हम कहते हैं रिसीवर ये धारा चालीस में लिखा हुआ है प्रापक बोलते हैं इसको ये आदेश चालीस में लिखा हुआ है तो आदेश चालीस में ऐसे रिसीवर की नियुक्ति हो जाएगी तो रिसीवर यहां पे नियुक्त कर दिया जाएगा अब रिसीवर कोई क्यों बनेगा तो उसके लिए रेमुनरेशन होता है उसके लिए सैलरी होती है उसके लिए पैसा होता है मान लीजिए हम ही को रिसीवर बना दिया किसी प्रॉपर्टी में कोर्ट ने तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरे की प्रॉपर्टी से हमसे क्या मतलब तो हम इसलिए वहां पर बनेंगे चूंकि हम वहां पर बनेंगे तो हमको पैसा मिलेगा हमको कोर्ट महीने की सैलरी देगी तो हम बन जाएंगे दो साल चार साल पांच साल जितना चलेगा हम रिसीवर रहेंगे तो उससे हम पैसा पा जाएंगे तो इसके लिए हम रिसीवर नियुक्त हो सकते हैं रिसीवर की कुछ ड्यूटीज भी हैं क्या ड्यूटी है रिसीवर उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा ऐसे देखभाल करेगा जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी होती अगर वो खेत उसका होता और कोई कब्जा करता तो मुकदमा दाखिल करता तो उस समय जब वो रिसीवर अपॉइंटेड है तो अगर कोई उस जमीन पर कब्जा करेगा तो उसके लिए मुकदमा भी दाखिल करेगा तो रिसीवर की यह सब जिम्मेदारी है तो ये भी करेगा उसकी ड्यूटी है और रिसीवर अगर इस ड्यूटी में फेल कर जाता है मान लीजिए बेच दिया बीस लाख का कोर्ट को बताया पांच लाख कोर्ट को बताया पंद्रह लाख और पांच लाख दबा लिया ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जैसे अब आके रोज तो देखेंगे नहीं बहुत कास्टली फसल हुई और कह दिया कि पानी आ गया बह गया खराब हो गया ये भी कह सकता है अगर इस सब में पकड़ा जाता है कि ऐसा काम किया है तो उससे पैसा भी लिया जाएगा उसके ऊपर कास्ट भी इंपोज किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके बेच करके कोर्ट पैसा भी ले लेगी ये भी हो जाएगा तो रिसीवर की बड़ी जिम्मेदार वाली जिम्मेदारी है और अगर उसको ठीक से करना है नहीं ठीक से करेगा तो कानून का हथौड़ा उसके ऊपर चल पड़ेगा ये भी बात है ठीक है ना तो ये है आदेश चालीस जिसमें प्रापक की नियुक्ति होती है और प्रापक ऐसे मामले में जहां पर अभी निर्धारित नहीं है कि कौन ओनर है प्रॉपर्टी का तो बीच में प्रापक के पॉइंट कर दिया जाएगा वो रिसीव करेगा रिसीव करके बेचेगा और बेच करके सबमिट करेगा तो इसको हम बोलते हैं प्रापक की नियुक्ति तो ये चार तरीका हम लोगों ने देखा कैसे डिक्री और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट बाई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर सेकेंड बाई अरेस्ट एंड डिटेंशन पॉइंट नंबर थर्ड ई अटैचमेंट एंड सेल पॉइंट नंबर फोर बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और पॉइंट नंबर फाइव कराए अन्य मेथड अन्य तरीका अन्य तरीका में यह बताया गया है कि भाई अगर इस चारों तरीका नहीं काम कर रहा है कोई ऐसी डिक्री है चारों तरीका नहीं काम कर रहा है तो कोई और भी तरीका इसी तरीके की कोर्ट इजाद कर सकती है तो इसके लिए सीपीसी फ्री हैंड छोड़ती है किसको सिविल न्यायालय को कत यह सिविल न्यायालय कोई और तरीका भी इजाद कर सकता है कोई बात नहीं है तो कर सकते हैं आप और डिक्री का क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है कि आर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिक्री मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इज वॉट दी ऑब्जेक्टिव तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोर्ट ऑफला और भी तरीका यूज कर सकती है और डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है तो ये हमारा था ग्रुप ऑफ सेक्शन और कुछ आर्डर्स जिसमें मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताया गया है ठीक है तो ये था अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड तो हम लोगों ने कर लिया है कि वह संपत्ति जो कुर्क की जा सकेगी वह संपत्ति जो कुर्क नहीं होगी धारा में मैंने आपको कुर्की के मेथड के समय ही बता दिया था कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है इनकी कुर्की और ग्रुप लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जिनकी कुर्की नहीं होगी तो जिसमें हमने पर्सनल पर्सनलेंट वगैरह 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 सब देखा था वो है कि वह प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं होगा जिसमें सैलरी की भी बात हम लोगों ने देखा था लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसका अटैचमेंट होगा उसमें लैंड हाउसेस एक्सेट्रा हम लोगों ने देखा हुआ था तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आगे वाले स्लाइड को देखें आगे वाली स्लाइड है गार्निसी आर्डर ध्यान दीजिए भी एक प्रावधान है एग्जीक्यूशन आप डिक्री में गार्निसी को सूचना तथा उसके विरुद्ध आदेश इसमें आर्डर इक्कीस का यह जो नियम दोनों आप देख रहे हैं यह नियम किसका है यह नियम आर्डर ट्वेंटी वन के दोनों नियम है आदेश ट्वेंटी आदेश ट्वेंटी वन के नियम है सीपीसी के आदेश ट्वेंटी वन के नियम है सीपीसी क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तो सीपीसी के आदेश इक्कीस के ये दो रूल हैं छियालीस ए छियालीस बी इसमें गार्निसी आर्डर की बात है गार्नि ध्यान दीजिए क्या है आर्डर का मतलब जजमेंट जजमेंट डेटर्स डेटर्स डेटर डेटर्स डेटर ध्यान दीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वह बंदा जिसके पक्ष में डिक्री हुई है इसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर वो बंदा जिसके खिलाफ डिक्री हुई है इसको हम बोलते हैं जजमेंट डेटर तो ये एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया केवल दो ही लोगों के बीच में चलती है डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर एक तरफ डिक्री होल्डर होगा एक तरफ जजमेंट डेटर होगा लेकिन ये जो गार्निसी आर्डर हम देख रहे हैं ये जजमेंट डेटर्स डेटर की बात करता है ये तीसरा पक्षकार आ गया जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं हमारे खिलाफ डिक्री पास हुई है किसी सिविल मामले में और मिस्टर ए के फेवर में पास हुई है अब मिस्टर ए जनरली इस डिक्री को तो हमारे खिलाफ एग्जीक्यूट कराएगा लेकिन मान लीजिए हमको जब वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है तो हम नहीं मिल रहे हैं उसको हमको नहीं पा रहा है हमारी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास तो वो क्या करेगा वो जाकर के कोर्ट से कहता है, है कि जज साहब इनका भी एक ऋणी है इनका एक ऋणी है जिसको इन्होंने बीस हजार रुपया दिया हुआ है और ये बीस हजार रुपया उस ऋणी से वसूल करेंगे तो आप उसी ऋणी से सीधे हमारी डिक्री को दिलवा दीजिए क्योंकि हमारा जो डिक्री है वो दस हजार का है और उसको इन्होंने बीस हजार रुपया दिया हुआ है तो उससे तो बीस हजार के लिए इलाइबल है ना तो वही दस हजार आप उससे दिलवा दीजिए दस हजार ही अपना लेते रहेंगे तो जजमेंट डेटर का वो डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री हुई है उसका वो ऋणी है तो डिक्री होल्डर जाकर के न्यायालय में ये बात बताएगा न्यायालय को अगर ये बात सही में समझ में आ जाती है और सही बात है ये तो कोर्ट सीधे अब हमको नहीं पकड़ेगी कोर्ट हमारे डेटर को पकड़ेगी और उससे कहेगी कि भाई बीस हजार रुपया तुमको देना है ना जजमेंट डेटर को तो तुम उसमें से दस हजार कोर्ट में जमा कर दो अन पेपर होगा सब कुछ दस हजार में जमा कर देगा और जो दस हजार बचेगा वो कहेगा तुम उसको देते रहना इससे हमारा कोई मतलब नहीं दस हजार तुम यही जमा कर दो तो जजमेंट डेटर के डेटर के खिलाफ भी आर्डर हो जाएगा उसको पकड़ करके उससे पैसा दिलवा दिया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं गार्नसी आर्डर एक अलग तरीके का ऑर्डर है जिसमें वो पार्टी नहीं भी है लेकिन उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है जनरली एडवर्सरी लिटिगेशन में ऐसा होता नहीं है केवल पार्टी के बीच की बात होती है स्ट्रेंजर पार्टी

और अरेस्ट करके उसको बाद देख किया जाएगा डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए और अरेस्ट के सारे प्रोसीजर हम लोगों ने देखा धारा पचपन से लेकर के धारा फिफ्टी तक सारा हम लोगों ने देखा इसके बाद तीसरा तरीका है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर करके और उसको सेल कर करके डिक्री का एग्जीक्यूशन हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने तमाम ग्रुप ऑफ सेक्शंस देखा था हम लोगों ने धारा 60 से चौसठ देखा कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कुर्की होगी किसकी नहीं होगी किसको छोड़ दिया जाएगा एटसेट्रा सब देखा हम लोगों ने इसके बाद चौथा मेथड हम लोगों ने देखा बाई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर प्रापक की नियुक्ति करके डिक्री का एग्जीक्यूशन हो जाएगा जो आदेश चालीस में था तो ये ऐसे हो जाएगा और लास्ट में हम लोगों ने देखा अन्य तरीका इसके अलावा भी अगर कोर्ट को कोई तरीका याद करने की जरूरत है तो याद कर सकती है इस तरीके का और डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है तो इस तरीके से सीपीसी सिक्योर करती है कि जो भी डिक्री और आर्डर न्यायालय के द्वारा पास हुआ है इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए क्योंकि कोर्ट डिक्री पास कर दे एग्जीक्यूशन ही ना हो तो फिर तो कोर्ट बेकारी हो जाएगी लोग हंसने लगेंगे कि कोर्ट आदेश देती है उसका पालन ही नहीं होता तो पालन होने के लिए ये सारे तरीके सीपीसी में बताए गए हैं ये सीपीसी का सबसे बड़ा आदेश है आदेश इक्कीस इसमें एक सौ छह रूल है और ग्रुप ऑफ सेक्शन मैंने आपको बताया छत्तीस से चौहत्तर है तो ये जब पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा लेकिन जो क्रक्स था जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने आपको बता दिया इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने भाषा और वाणी के माध्यम से आ, आप तक पहुँचने का प्रयास किया मैं पहुँचा हूँ आपको शायद हमारी बात समझ में आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इससे डिक्री के और ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का जो प्रक्रिया है और जो तरीका है जो कानूनी प्रावधान है वो साधारण भाषा में आपको समझ में आया होगा तो इस सारे के लिए इस समझने के लिए इस पेशेंस हियरिंग के लिए मैं सारे श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ तो हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और नमस्कार थैंक यू नमस्कार And welcome to this piece of literary snippet. Today, we are going to read a section from Virginia Woolf's novel, Orlando. And the section that we are going to listen to today is perhaps one of the finest descriptions of the winter season in English literature. It is also a very fine piece of what we call fantasy writing. I have made a few changes to the original to adapt it for the purpose of reading. The Great Frost was, historians tell us, the most severe that has ever visited these islands. Birds froze in mid air and fell like stones to the ground. At Norwich, a young countrywoman started to cross the road in her usual robust health and was seen by the onlookers to turn visibly to powder and be blown in a puff of dust over the roofs. The mortality among sheep and cattle was enormous. Corpses froze and could not be drawn from the sheets. It was no Uncommon sight to come upon a whole herd of swine frozen immovable upon the road. The fields were full of shepherds, plowmen, teams of horses, and little birds carrying boys, all struck stark in the act of the moment. One with his hand to his nose, another. With a bottle to his lips, a third with a stone raised to throw at the ravens, who sat upon the hedge within a yard of him as if they were stuffed birds. The severity of the frost was so extraordinary that a kind of petrification sometimes ensued. It was commonly supposed that the great increase of rocks in some parts of Derbyshire was due to no eruption for there was no eruptions rather it was supposed that they were due to the solidification of unfortunate wayfarers who had been turned literally to stones where they stood the church could give little help in the matter and though some landowners had these relics blessed the most part Preferred to use them either as landmarks, scratching posts for sheep, or when the form of the stone allowed, drinking troughs for cattle, which purpose they serve admirably for the most part to this day. But while the country people suffered the extremity of want, and the trade of the country was at a standstill, London enjoyed a carnival of utmost brilliance. The new king directed that the river, which was frozen to a depth of 20 feet, should be swept, decorated, and given all the semblance of a park or pleasure ground. With arbours, mazes, alleys, drinking boots, all at his expense, of course. Frozen roses fell in shards when the Queen and her ladies walked abroad. Coloured balloons hovered motionless in the air. Here and there burnt vast bonfires of cedar and oak wood, lavishly salted so that the flame were of green, Orange and purple fire. But however fiercely they burnt, the heat was not enough to melt the ice, which, though of singular transparency, was yet of the hardness of steel. So clear, indeed, was the ice that there could be seen, congealed at a depth of several feet, here a porpoise. There, a flounder. Shoals of eels lay motionless in a trance. But whether their state was one of death or merely of suspended animation, which uh, the warmth would revive, puzzled the philosophers. In short, nothing could exceed the brilliancy and gaiety of the scene by day. But it was at night. That the carnival was at its merriest. The nights were of perfect stillness. The moon and stars blazed with the hard fixity of diamonds, and to the fine music of flute and trumpet, the courtiers danced. See you in the next episode of Literary Snippet.